मध्य प्रदेश कांग्रेस की बैठक में हार पर मंथन शुरू हो गया है। कांग्रेस अब अपनी कमजोर कड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हारे और जीते हुए प्रत्याशियों के साथ संभागवार समीक्षा की जा रही है। पीसीसी में कांग्रेस की हार पर मंथन शुरू हो गया है। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह 230 विधानसभा के प्रत्याशियों से फीडबैक ले रहे हैं। बैठक को लेकर जयवर्धन सिंह ने कहा कि आज की बैठक में हार की समीक्षा की गई है। हार के क्या कारण रहे, किसने मदद की, किसने नहीं की, यूथ कांग्रेस, एनयूसीआई, महिला कांग्रेस ने क्या मदद की, मौजूदा संगठन के क्या हालात हैं, मंडलम सेक्टर कमेटियों के चुनाव में क्या भूमिका रही, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए भी सुझाव मांगे गए। इसमें अनेकों सकारात्मक बातें हुई हैं संगठन को लेकर। मैंने हमेशा स्वयं भी माना है कि जो बीता हुआ कल है उसको अपन जो भी कुछ उसमें घटनाएं हुई उससे हम सीखें, विचार करें, मंथन करें, समीक्षा करें। लेकिन अगर अब हमें सोचना है तो आगे के बारे में सोचना है, भविष्य के बारे में सोचना है। हमारी अगले 4.5 साल क्या रणनीति रहे जिसके माध्यम से हम पुनः कांग्रेस को मध्य प्रदेश में शिखर पर ला सकें, उस पर आज हमने मंथन किया। हमारे ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक थी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं भंवर जितेंद्र सिंह जी ही बैठक ले रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी साथ में थे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी साथ में थे। सभी ने, जो हम विधायक भी हैं, जो विधानसभा प्रत्याशी हैं, सब ने अपने अपने सुझाव दिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।